दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल बी आर छप्पन अमित ब्लॉग्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक और मजेदार प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट खासकर बिगनर फोटोग्राफर के लिए है। ये है DJI मिनी 2 एसी ड्रोन। ये एक एंट्री लेवल का ड्रोन है। अगर आप एक सस्ता और अच्छा ड्रोन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हम इसे लगभग 1 साल पहले 70,000 का लिए थे फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ। फ्लाई मोर कॉम्बो का मतलब है ये बैग, 3 बैटरी और इसका चार्जिंग हब और कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर। अब ये आपको 55,000 का मिल जाएगा। अगर आपको ड्रोन से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसा ऐसा वीडियो लाते रहेंगे। बिना देरी के इस बॉक्स को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इस बॉक्स में क्या क्या है। इसमें एक प्यारा सा बैग है और ये काफी मजबूत बैग है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस बैग को खोलते हैं और इसमें जो जो है आपको सब चीज निकाल कर दिखाते हैं। ये ड्रोन है, ये RC है और ये 3 बैटरी है। ये इसका चार्जिंग हब है। इससे आप RC को भी चार्ज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें हमें मिलता है 3 केबल जो कि फोन से RC को कनेक्ट करता है। एक RC में लगा है, ये एक्स्ट्रा प्रोपेलर है और ये स्क्रू ड्राइवर है। इसका अभी तक यूज किए नहीं है। साथ में ये प्रोपेलर गार्ड लिए थे। अगर आप न्यू हैं तो इसे प्रोपेलर गार्ड को लगाकर ही ड्रोन को फ्लाई करें, ये ड्रोन को सेफ रखता है। ये एक छोटा साइज का फोल्डेबल ड्रोन है। इसका साइज एक फोन के बराबर है। इसका वेट 295 ग्राम है। इसके लिए कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं पड़ता है। हम अपना 8 मंथ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। स्टार्टिंग में ये 4 से 5 बार क्रैश भी हो गया था। इसे बचाने के चक्कर में उंगली भी कट गया था पर इसे कुछ हुआ नहीं था। ये इसका कैमरा ये 3 एक्सेस गिम्बल के साथ आता है। ये वीडियो 2.7 के 30 FPS पर रिकॉर्ड करता है। इसका वीडियो क्वालिटी काफी अच्छा है, आगे आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए और पीछे से ढक्कन खोलिए और बैटरी को डालिए। यहाँ SD कार्ड लगता है और यह इसका पावर ऑन ऑफ बटन और ये 2 सेंसर है। आगे आपको बताएंगे इसका क्या काम है। अब देखते हैं इसके RC को। यह इसका RC नीचे में है। इसका जॉयस्टिक को कर लेते हैं सेट। जॉयस्टिक सेट हो चुका है। ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन है और इसमें ये 3 मोड है। मोड को स्विच करने के लिए ये इसका बटन है और ये रिटर्न टू होम बटन है। इससे आपका ड्रोन ऑटोमेटिक रिटर्न आएगा। और ऊपर में ये कैमरा को ऊपर नीचे करने के लिए और ये है फोटो और वीडियो क्लिक करने के लिए। अब करते हैं RC को फोन से कनेक्ट और दिखाते हैं आपको। तो चलिए अब करते हैं RC को ऑन। इसका पावर बटन को कीजिए प्रेस एंड होल्ड। RC ऑन हो गया है। अब ये फोन से कनेक्ट हो जाएगा तो इसका DJI फ्लाई ऐप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब ड्रोन को भी ऑन कर लेते हैं। ड्रोन भी ऑन हो गया है। देखिए इसका प्रोपेलर ऑटोमेटिक हिल रहा है और इसका कैमरा भी। अब दोनों को कुछ टाइम लगता है आपस में कनेक्ट होने में। कुछ देर में ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। लगभग 5 से 10 सेकेंड का टाइम लगता है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाता है। देखिए दोनों आपस में कनेक्ट हो चुका है। आपको दिख रहा होगा मेरा हाथ। तो चलिए अब इसे करते हैं फ्लाई। गाइज हम लोग फाइनली छत पे आ गए हैं ड्रोन को फ्लाई करने के लिए। रवि रिमोट लेकर रेडी है ड्रोन को फ्लाई करने के लिए। देखिए ड्रोन फ्लाई हो रहा है।